तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है और प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 4 डिग्री की पॉलिनॉमियल है और न्यूमरेटर 0 डिग्री पॉलिनॉमियल है। किया क्या जाए, इसको सिंपलर फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है ना। ये तो एक तरीका हो गया कि पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन ये सारा काम हम लोग पहले करते आए हैं। अब क्या करेंगे हम, इस एपिसोड में हम आपको एडजस्ट करना सिखाएंगे ना कि कैसे एडजस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम एक रेगुलर पाथ को फॉलो ही करें, इस बार हम लोग एडजस्ट करके करेंगे। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि कैसे करते हैं। इसको फैक्टराइज कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर है ही है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसको अब हम एडजस्ट करते हैं। इट कुड बी रिटेन एज ए, जो 1 लिखा हुआ है इनका डिफरेंस सोचिए कितना आएगा। अगर हम आपसे पूछें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 और माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो न्यूमरेटर आपका 2 है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर आपका 1 है, ऊपर यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, 1/2 कर ले रहे हैं ताकि वो कट के 1 आ जाए। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको अलग अलग डिनोमिनेटर कर लीजिए, इतने पार्ट के नीचे अलग और इसके पार्ट के नीचे अलग, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, दैट इज़ जब इसके नीचे आएगा तो एक ब्रैकेट कट जाएगी, आपका क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1/ एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को लिफ्ट कर लें है ना, तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1/√(x^-a)2। ये स्टैंडर्ड आपके पास इंटीग्रेशन जिसका होता है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए है ना, मॉड में रहता है प्लस सी, तो इसका भी डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला, और ये तो टेन इनवर्स का है ना, इसका भी डायरेक्ट है, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है, वैसे याद होना चाहिए आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। खैर, लेकिन हम आपके लिए यहाँ से वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हम थोड़ा और जाके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर ले रहे हैं, 1/2 1/(x+1) और x-1, इसको रहने दीजिए, ये तो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला है ही, वैसे भी फैक्टराइजेबल नहीं है। देखिए ये फिर हम उसी तरह से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे x+1 - x-1। ठीक है, और 1/2 यहाँ एडजस्ट कर लेंगे जैसे हमने ऊपर किया है। तो सिमिलरली आपके पास फिर ये चीज़ जो है ये दो फ्रैक्शन में आप ब्रेक कर लो, यहाँ से अलग यहाँ से अलग, क्या हो जाएगा, दिस कुड बी रिटर्न एज ए 1/2, ब्रैकेट के अंदर ये 1/2 रखते हैं है ना, और ये हो जाएगा 1/(x-1)। ठीक है, और -1/(x+1), कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का 1/(x^+1) आ गया। ठीक है, अब सारी ब्रैकेट हम लोग हटा देते हैं, सिंपल सिंपल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 1/4 टाइम्स 1/(x-1)। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, फिर 1/4, तो 1/4 बाहर ही करते हैं ना, 1/4 हम बाहर कर ले रहे हैं, 1/(x+1) एंड 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -1/2 1/(x^+1) हो गया। अब देखिए हर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन आपकी क्या है, इंटीग्रेबल है, इसका लॉग आ जाएगा, इसका भी लॉग आ जाएगा, इसका टेन इनवर्स आ जाएगा, तो क्या करें हम लोग, इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, ये चीज़ हम लोग आप इसके नीचे करिएगा, हम यहाँ मिटा के कर रहे हैं। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेटिंग 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, दिस वन 1/(x-1)dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x+1)dx, इस ब्रैकेट
क्लोज एंड वन माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। फॉर्मूला प्लेस कर देते हैं, सारे ही स्टैंडर्ड हैं, तो वन बाई फोर ये हो गया लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज माइनस हाफ, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट सी। ठीक है, जब भी आप इंटीग्रेशन रिमूव करते हो या फॉर्मूला प्लेस कर देते हो तुरंत ही इनडेफिनिट कांस्टेंट सी प्लेस कर दिया करिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में हम लोग लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन। तो हम आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, हम यही कर दे रहे हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, ये टर्म यहाँ से हट जाएगा और ब्रैकेट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये जो अलग अलग मॉड दिख रहा है ये एक सिंगल मॉड कर देते हैं, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।